हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने चल रहा हूँ आईआईटी दिल्ली का प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितना था, गेट का जो है कितना गेट स्कोर मिनिमम रिक्वायर्ड होता है आईआईटी दिल्ली में एडमिशन लेने के लिए। तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं आईआईटी दिल्ली एमटेक प्रोग्राम में इंजीनियरिंग एनालिसिस एंड डिजाइन एमए, इसका कोड होता है एमए। तो गेट पेपर जो है सभी लोग इसका जो है सभी लोग मतलब फॉर्म भर सकते हैं इंजीनियरिंग एनालिसिस एंड डिजाइन जितने भी ब्रांचेज हैं सभी लोग। जनरल के लिए जो है 700 कट ऑफ जाता है, ईडब्ल्यूएस के लिए 700, ओबीसी के लिए 650, एससी के लिए 450, एसटी के लिए 450, 450। बायोमेडिकल का बीएमटी का आप लोग देख सकते हैं, एमएससी बायोटेक में जा सकते हैं, बीबीटेक वाले मतलब सभी ब्रांच वाले जा सकते हैं ऑलमोस्ट। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसका गेट स्कोर कितना था, 650, 650, 650, 650, इसीलिए आप लोग देख सकते हैं। चलिए मैं बात करता हूँ जो मेन मेन ब्रांचेज हैं, जैसे आपके केमिकल में आप लोग देख सकते हैं केमिकल इंजीनियर डायरेक्ट एडमिशन इसमें जो है होता है। और कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग मटेरियल में मेन मेन ब्रांचेज में अगर जो है मैं आपको बात करना चल रहा हूँ, जैसे सिविल के लिए आपका हो गया जियो टेक्निकल एंड जियो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, इसका जो 500 जाता है कट ऑफ गेट स्कोर जो है रिक्वायर्ड होता है जनरल के लिए। और जो है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में आपका 500 जाता है, वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग में आपका 500 जाता है, ट्रांसपोर्टेशन में आपका 500 जाता है, कंप्यूटर साइंस, ये तो आपका सिविल का सभी ब्रांचेज हो गया, सिविल का ये आपका सिविल का ब्रांच सिविल का हो गया। अब कंप्यूटर साइंस का सीएस की बात कर लूँ तो एमसीएस कंप्यूटर साइंस या पीआईटी वाली इसमें जा सकते हैं, 800 देख लीजिए इसका जो गेट इसको बहुत ही ज़्यादा है, 800 है लगभग, 800 जो है लगभग ईडब्ल्यूएस के लिए, 720 आपका ओबीसी के लिए, 550 आपका जो है एससीएसटी के लिए। और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आप लोग देख सकते हैं कि ईसीई का हो गया और 750-860 आपका जो है इसका हो गया, क्या कहते हैं कि कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में ITCS, ECEE एंड अदर, तो 450 आपका जो है जनरल के लिए होगा, 350 आपका जो है ओबीसी के लिए होगा, सॉरी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए होगा, 650-670 आपका जो है ओबीसी के लिए होगा, 485 आपका जो है एससीएसटी के लिए हो गया, 340 आपका जो है इसके लिए होगा। अब मैं बात करने चल रहा हूँ मैकेनिकल का, तो मैं बात कर रहा हूँ मैकेनिकल का। मैकेनिकल में आप लोग देख सकते हैं कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का आप लोग जो है देख सकते हैं, तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में जो है आपका जो है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग कहाँ गया इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, यस आप लोगों को शायद क्लियरली कुछ ना दिख रहा हूँ मैं बता देता हूँ। मैकेनिकल डिजाइन में आप लोग देख सकते हैं कि एमई के लिए आपका जो है पेन थोड़ा यस 725 आपका जो है वो जनरल के लिए गया था 725, और जो है 650 आपका जो है ईडब्ल्यूएस के लिए गया था, 650 उसके लिए भी गया था ओबीसी के लिए, 500 आपका जो है एससीएसटी के लिए गया था। और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में आप लोग देख सकते हैं कि 725 ऐसे सेम स्कोर था लगभग, 725, 650, 650, 500, 300, 300। प्रोडक्शन में आपका 725, 650 मतलब वैसे ही गया था लगभग तीनों में, और थर्मल इंजीनियरिंग में 725 मतलब लगभग वैसे ही स्कोर गया था आईटी दिल्ली में। तो आपको अगर मैकेनिकल में एडमिशन लेना है आईटी दिल्ली में तो आपका जो है मिनिमम स्कोर 750 होना चाहिए, 700 के लमसम तो होना ही चाहिए जनरल के लिए जो है। उसके बाद जो है आप लोग को जो वो मिलता है रिजर्वेशन, उसके हिसाब से आप लोग देख लें कितना मिलता है। तो ये आपका हो गया। तो इसके बाद मैं बात चलने चल रहा हूँ कि 2000 आपका जो है 18 में कितना था स्कोर। तो इसके बाद मैं 2018 की बात कर रहा हूँ आई टी दिल्ली गेट कट ऑफ जो है 2018 के लिए। इसमें आप लोग जो है देख सकते हैं कि 700 ऑलमोस्ट वैसा ही स्कोर रहता हर ईयर लगभग, तो आप लोग 700 देख लीजिए। अब 2020 में भी ऐसा स्कोर था, और जो है 2018 में 2019 में मतलब लगभग सेम गेट स्कोर रहता है। रैंक देखिए, रैंक अलग चीज़ होती है, गेट स्कोर अलग चीज़ होता है, तो गेट स्कोर लगभग वैसा ही रहता है, 700-750 जनरल के लिए जाता है। तो आप लोग को मतलब जो पीक पॉइंट ले लीजिए आपका 750 मतलब कि मिनिमम होना ही होना चाहिए, 750 अगर आपका है जनरल कैटेगरी से आप हैं तो आपका जो है एडमिशन आसानी से हो जाएगा, वो चाहे आईटी दिल्ली हो, आईटी खड़गपुर वगैरह, इनमें सब में आसानी से एडमिशन हो जाएगा। अगर एससीएसटी के लिए हैं तो आपका 550 या 500 तो होना ही चाहिए। उसके बाद इसमें भी मैं मेन मेन ब्रांचेज की अगर बात कर ले रहा हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि जो सिविल इंजीनियरिंग के लिए था ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग 300 बेरी लो कट ऑफ, वेरी लो गेट स्कोर था इसमें। कंप्यूटर साइंस में देख ली वही 900 चला गया, और तुम्हारा सिविल इंजीनियरिंग में उसे 300 पे ही एडमिशन हो गया, तो वो भी ट्रांसपोर्टेशन में। स्ट्रक्चरल में 300 मतलब कि सिविल का कटा जो गेट स्कोर वेरी लो पे जो है एडमिशन हो गया था 2018 में। और कंप्यूटर साइंस में आप लोग देख सकते हैं 900-800 ऐसा जा रहा है। इसके बाद जो है अगर मैं मैकेनिकल की बात कर ले रहा हूँ तो मैकेनिकल में इंडस्ट्रियल मैकेनिकल डिजाइन मैकेनिकल 725 ऐसा ही गेट स्कोर लगभग 2020 में भी था। तो आप लोग जो है आप लोगों को मैं बता दूँ कि अगर आपको एमटेक में एडमिशन लेना है आईटी खड़गपुर या आईटी दिल्ली या फिर आईटी कानपुर, तो आपका जो है 750 मिनिमम गेट स्कोर होना ही चाहिए जनरल के लिए। 750 से अगर
का ऊपर एडमिशन है, तो आपका आसानी से एडमिशन हो जाएगा और एडमिशन तो आपका 700 में भी हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। आप लोग जैसे अगर नान कोर ब्रांचेज हैं तो आपका 500 में भी एडमिशन हो जाएगा। जैसे आप लोग ऊपर वाला देख सकते हैं कि इंजीनियरिंग मटेरियल कौन सा था, इंजीनियरिंग एनालिसिस एंड डिजाइन, इसमें जो है आपका आल ब्रांचेज जो है इसमें अप्लीकेबल हैं और 700 जो है इसमें भी गया था एडमिशन। और एमएससी बायोटेक मतलब 500 में भी कुछ कुछ में हो जाएगा, जैसे एटमॉस्फेरिक ओशियन इसमें सब आप लोग दिए 550 में ही हो गया, और इसमें मॉलिकुलर एनर्जी तो इसमें जो है 450 में हो गया। तो आपका जो है और आपका सिविल में देख लीजिए वेरी लो कट ऑफ था कि 300 पे ही एडमिशन हो गया, तो आप लोग ऐसा कुछ करके देख सकते हैं। तो आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा, तो यानी कि 750 आपका जो है गेट स्कोर मान के चलना है कि 750 होगा तभी एडमिशन मेरा आसानी से हो जाएगा आई टी दिल्ली के अंदर। ओके, तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में।